हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में किसी का भी बर्थडे आ सकता है, तो मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट बनने वाला बिस्किट केक। इसके लिए ना तो मैं ओवन का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही मैं माइक्रोवेव का यूज़ करने वाली हूँ। आप घर में कढ़ाई में बड़े ही ईजिली रेडी कर सकते। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो घर में हमेशा अवेलेबल रहने वाले रेगुलर बिस्किट्स हैं और वो हर एक के घर में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी आपके नियर एंड डियर वन का बर्थडे आ रहा है तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। मैंने कुकीज़ ली हैं, मैंने ओरियो कुकीज़ ली हैं और टाइगर क्रंच लिया है और बटर कुकीज़ ली हैं। ये मैंने चॉकलेट ली है, इनो मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने 2 बड़े चम्मच मैं बटर की यूज़ करूँगी, ये नमकीन बटर है अमूल का, और 1 कप मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। आइए अब हम इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में नमक डाल के इस तरीके से एक सांचा जो है उस नमक के ऊपर रख लिया है। अब मैं गैस को फुल फ्लेम पे ऑन करूँगी। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी। जब तक ये प्रीहीट होती है तब तक जो है हम केक का बैटर रेडी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स इस तरीके से सारे बिस्किट्स में दूध डाल के उसे इस तरीके से पेस्ट रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा बैटर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब मैं इस बैटर को एक बाउल में शिफ्ट करूंगी। आपको इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट कितना स्मूथ है। आप चाहें तो मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बिस्किट्स को ड्राई ग्राइंड करना है और उसके बाद उसमें दूध ऐड करके उसे दोबारा से एक बार ग्राइंड करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ये पेस्ट जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें बटर ऐड करूंगी। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया था। बटर डालने के बाद मैं इसे इस तरीके से और फर्दर मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पेस्ट कितना स्मूथ रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें इनो ऐड करूंगी और इनो ऐड करने के बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इनो का सैशे यूज किया है। अगर आपके पास बॉटल है तो आपको 1 बड़ा चम्मच यूज करना है। इनो और दूध को आपको इस तरीके से पेस्ट में अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी फ्लफी होना शुरू हो चुका है। आप इसे जितना बीट करेंगे ये उतना ही ज़्यादा फ्लफी होगा। और आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर जो है वो ऑलरेडी फ्लफी होना शुरू हो चुका है। मेरा बैटर अब रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करूँगी। ये बेकिंग ट्रे है, मैं इसे सबसे पहले बटर से ग्रीस करूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि ये इससे स्टिक नहीं होगा, अदरवाइज ये ट्रे में स्टिक कर जाता है। अब मैंने बेकिंग ट्रे को बटर से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। मेरी ये कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है अच्छे से, इसे 10 मिनट के लिए मैंने प्रीहीट किया है। अब मैं इसमें बेकिंग ट्रे रख रही हूँ। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। अब मैं इसे 45 to 50 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ लो फ्लेम पे। अब इसे 50 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे ढक्कन को निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा केक अब बेक हो चुका है और ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे से निकालने वाली हूँ। और निकल चुका है, इसका स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अब मैं इस पे टॉपिंग्स करूंगी। टॉपिंग करने के लिए मैंने जो चॉकलेट्स लिए थे मैंने उसे इस तरीके से मेल्ट कर लिया है और मैं इसे इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी। आप चाहें तो जितनी मर्जी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। मेरा केक अब रेडी हो चुका है। मैं इसे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रखूंगी और उसके बाद मैं इसे रेफ्रिजरेटर में डाल दूंगी।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घर में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने कितना अच्छा केक बेक कर दिया है। और इस सीज़न में जब सब दुकानें बंद हैं तो ये बहुत ही इजी है बेक करने के लिए घर में, आप इसे घर पर ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।